हाँ एक मिनट, मैं करवा, आप टेंशन न करो, बिल्कुल आपके जैसे आपको मनपसंद काम होगा। जब मैं हाथ लगाऊं कपड़े चोर ओके जी हो छोड़ को दी दिया इधर लाओ इनको अब इधर हमारी पहाड़ी रीति रिवाज की छड़ी पहनाई जा रही है। सैंडल और पर्स दे दो उनको। सैंडल सैंडल ऐसे करके स्पर्श कराओ यहां पे। सैंडल आए हो उसको स्पर्श करा दे। बोलने की जरूरत नहीं है, बोलना नहीं है। अरे ऐसे डब्बा दे दो उनको, लो उसके पैर सैंडल वहां श्रृंगारदान। और ये क्या है? और ये पर्स है तो ये भी दिखा दो, दे दो, फिर तू वापिस आएगा, वापिस ही आएगा। सिंदूर निकालना पड़ेगा असल से। इसको कोई भी पकड़ के रखे अपने पास से। रुको एक मिनट, संग बजा लो। अच्छा हाथ जोड़कर प्रार्थना करें किससे? कन्या से। कन्या कनक संपन्ना कनकाभरणी काम ददामी विष्णुभ्यं हे विष्णु लोक के भगवान विष्णु स्वरूप, हम आपकी अपनी कन्या का दान आपको दे रहे हैं, आप उसे स्वीकार करेंगे। कहते हैं फूल गर्दी का नहीं पड़ा, फिर बोल दो भाग्यशाली है जो तुम्हारे दान करने का उद्धार हुआ। उधर हुआ भी नाम इसमें आया, ऐसा कहते हुए हमारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भैया होने वाली धर्म पत्नी का हाँ ये
इधर से लाओ कन्या को आराम से बैठ बोले ठीक है आप कन्या को वहाँ बैठा ये वहाँ रख दो यहाँ पे बैठ जाएगी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब आप दोनों एक तरफ चले गए अब आप फोटो आराम से पीछे हटो कहना उचित आशीर्वाद वो वचन दे रहे हैं जिन वचनों से आशा बढ़े सामने अखंड सौभाग्यवती भव का अब फोटो आप वर्जी के हाथ में रखो आप ये फूल सर में रख रहे हैं उनके सर में फूल नहीं रखा तोड़ के दूसरे हाँ जी सामने क्या हाँ कर बेटा ठीक चल रहा है के प्राणों से प्यारी है भर नारायण बनी आशीर्वाद दे रहा है चले जाओ ना आज कन्यादान दियो ये इनके ही है अब इधर सात फेरे हो रहे हैं
गिराते हुए बिखेरते हुए लास्ट में बचाना भी है थोड़ा सा। हाँ ये लहंगा वहंगा के ख्याल रखना तुम्हारे पतिदेव का काम है। यहाँ कोई सहेली वहेली नहीं आती है। भद्रम करने पुण्याम देवा भद्रम कुछ मात्र अपनी अपनी जगह आ जाना बचा के रखना। सब डाल अपने अपनी जगह आके पहने सब डालो इसमें अच्छा गिरा भगवान मैंने आपको बोला समझाओ पति नहीं समझा पाया पत्नी को तो दुनिया में कोई नहीं समझा सकता है। अरे हमको देख करके हंस रहे हो आपस में ही हंसोगे थे इसलिए उठाओ उसको घर जाके किसको देख के हंसोगे मन कमरे में इसलिए जो है हमको तो ये जो है ये सिक्का उठा के आपने रखा अंगूठा पकड़ा हो हुआ प्रॉमिस कि आप पति बनाने के योग्य होने आपको समझ दिया है। पहली परिक्रमा में पहले तीन बार उन्होंने अजमाया आपको चौथी बार परिक्रमा भी लगाई फिर भी अजमाया कहा तो बात से बात माने जा रहे बात से बात माने जा रहे लेकिन आखिर शर्म भी आती है कोई हद पार हो जाती है ना फिर उस फिर खुद शर्म करने लग जाती है। दुनिया बदलने वाली नहीं है खुद को बदलो दुनिया कभी नहीं बदली दुनिया कभी नहीं बदल सकती सास ने सास ने कहा मैंने अपनी बहू को नहीं बदला तो मेरा नाम भूल देवी जी पत्नी है। और बहू ने क्या बोला तो बहू क्या बोलती मैंने अपनी माँ का दूध पिया है अगर इस सास का व्यवहार मैंने चेंज किया है तो इसलिए कोई बदलने वाला नहीं अपने आप को बदलो दुनिया अपने आप बदल जाएगी ऐसी कोई चीज नहीं। ठीक है अब हाथ मिला दिया सब ठीक खेल रहे अब नहीं गिरवाया ना अब नहीं गिराया ना आपने समझा भी कैसे ये मत बोलना कि पंडित जी ने बोला गिराने को पंडित जी को बुलाया इसलिए जाता है कि पंडित जी बताए कि ये चीज का मतलब बताए अपने आगे पत्नी को कभी पीछे नहीं छोड़ना है पता चला पति पीछे रह के अपनी सहेलियों के साथ बात कर लेना आज भी पहुंच गया पर 2 किलोमीटर आगे फिर ढूंढने जाएगा कहाँ गया आई टी सी मेरे साथ भजन अपनी अपनी जगह आ जाओ अपनी अपनी जगह आ गए आप जो है जैसे घी भर एक बार करो ृष्ण
अरे फूल पकड़ो, किसी ने कहा है, हमारे पुराणाचार्यों ने कहा है, किसी ने क्या कहा, हमारे पुराणाचार्यों ने कहा है, हमारे पुराणाचार्यों ने क्या कहा है कि भाई यार इनकी शादी में ना जो है तीन फेरे हो रहे, चार फेरे हो रहे, इसको थोड़ा बढ़ाओ जरा, क्या पता है इन दोनों का जो है प्रेम और बढ़ जाए, तो सात फेरे कर दिए गए। हम तो कहते हैं रहने वाली होगी तो बिना फेरे के भी रह जाएगी, नहीं तो अगर सौ परिक्रमा भी लगा लोगे तो भी नहीं रहेगा कोई। इसलिए मैंने आपको क्या वर्ड बोला, दुनिया नहीं बदलेगी, अपने आप को बदलने। तो सात परिक्रमा आप तीन, चार परिक्रमा बिना नॉन स्टॉप फूल लेकर के करो। चलो ओम भद्रम करने हाथ जोड़ते हुए हैं, हर ये पीछा है वो बस थोड़ा सा कम घूमे, थोड़ा सा और घुमा, थोड़ा सा आओ आओ आओ। छठी परिक्रमाएं, ये छठी पूरी भी है साथ ही। हाँ बस अच्छा साथ में आएगी। चलो सात परिक्रमा लो, एक और कर लो भैया, आठ भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अपने अपनी जगह आ जाओ, फूल को अग्नि कुंड के नीचे चढ़ाओ, अग्नि माता से प्रार्थना करना, हमारे जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा को, जिस प्रकार हम खाना खाते हैं ना हमारी किडनी सब कुछ हजम कर जाती है, लोहा लंगर पत्थर जब किडनी मजबूत होती है ऐसी पर अग्नि भी सब कुछ हजम कर जाती है, राग बना देती है हर किसी चीज का, तो वो हमारे मनुष्य के द्वारा बाहर निकलता है। फिर तो ऐसे ही हमारे जाएंगे तीसरे वचन में कह रहे हैं मैं परिवार के लालन पालन पोषण में आप पूरी तरह से मेरी मदद करोगे, खास तौर पे आदमी की ये एक वो रहती है ना जिज्ञासा, तब तो सुबह आएगी पति चाय बना के नहीं ला सकता, खाली माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनको माँ बाप की सेवा करनी हो, माँ बाप की सेवा करनी हो तो कौन करेगा, वहाँ बच्चा रो रहा है इधर पापा जी चाय के लिए तड़प रहे, उधर उनके लिए गर्म पानी करना है, सर्दियों का दिन है नहाने का इंतजाम करना, उनका तेल साबुन जो भी
बदलने वाले कपड़े हैं वो सब उनके बिल्कुल स्टैंड पे रहने चाहिए माता पिता जी के, तभी उस बच्चे का सुख है। पापा अपने आप ढूंढेंगे ना, अरे पापा अपने आप क्यों ढूंढेंगे। हर काम जो है नामुमकिन को भी मुमकिन करना है आपने। ये वो बोल रहे आपको कि मैं परिवार के लालन पालन पोषण में पूरी तरह से मदद करूंगा। सब्जी काटेंगे तो आटा गूंदोगे रोज आते के लिए मेरी भी मन भाव चीज का ख्याल रखा जाएगा। बता मैं गुड़ वाले चाय पीती हूँ और तुम चीनी डाल के ले आए हैं। आलू मेथी की सब्जी खाती नहीं, आलू गोभी ले आए तो ठीक है, आलू मेथी ले आए तो मैं तो खाती नहीं। मेरी मन का कहाँ ख्याल रखा, तो मेरे से ही पूछा जाएगा क्या लाना है क्या खाना है। परिवार में सब एकजुटता हो करके ये सब काम हो, पहले मेरी मन भाव चीज को ख्याल रखा जाएगा, उनको आपके मन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जब तक शादी नहीं होती ना, तब तक हर लड़की को लड़की को ये अधिकार होता है कि यार मेरे को ये लड़की मिल जाती पति के रूप में तो बहुत अच्छा होता है। लड़की भी ये सोचती है किसी लड़के को देख करके आकर्षित हो जाती है, ऐसा पति के रूप में मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। परंतु सहयोग बस उसी को मिलता है, आप दोनों का सहयोग शादी हो तो हम कह रहे हैं कि आज के बाद वो सारे अधिकार खत्म है। एक जगह रखे रहते गुलाब जामुन, एक जगह रहती रबड़ी, अब वहाँ गुलाब जामुन रखे थे उससे आगे रबड़ी रखी, अरे यार तो गुलाब जामुन ले लिए रबड़ी ले लेता तो ठीक था, अब वो सोचना सब बंद है। सकते हैं सिर्फ माता एवं बहन के नजर से देख सकते हैं, माँ एवं बहन के नजर से देख सकते हैं आज के बाद। सातों वचन कह रहे कि मेरा जैसा प्यार किसी से नहीं करोगे। बोलो एक पत्नी का प्यार और उसका प्यार अलग होता है। मेरा जैसा प्यार प्रेम आप मेरी जैसी प्रीति किसी के साथ नहीं लगाओगे। पता चला यहाँ पति पत्नी वहाँ व्हाट्सएप पर चैटिंग चल रही है, तो ये काम बिल्कुल नहीं होगा। बोलो तुमको बताना मुझे नहीं बताना, वो बोल रहे तो बोलो, मैं नहीं करूंगा ऐसा काम, ऐसा शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा। डर हो तो ऐसा हो, मैंने बंद कर दिया नाम बसानी पहले आगे वाले नाम होंगे, तो इसलिए आज भी फिर आप कितना कमाते हैं कितना खर्च करते हैं सारा हिसाब किताब माता पिता जी के साथ मेरे को भी देना होगा। मेरे को बताओगे आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, कौन सा डेबिट कार्ड यूज करते हो, सारे कार्ड मेरे पास जमा होने चाहिए, कितना खर्च करते हो कितना कमाते हो पूछो। बताओ अच्छा आप जब आप जो है जब पति की बारी आती है।